नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद कानपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारी परिषद एवं दलित पिछड़ा वर्ग वेलफेयर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन धरना, क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारी। कर्मचारियों ने लगाया कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप। विश्वविद्यालय की कुलपति और रजिस्ट्रार पर लगा करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने कुलपति के लुटेरेपन पर साधा निशाना। 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। जनपद कानपुर से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिसको हमारी मीडिया उसको उठाती है, समाज में दिखाती है, समाज जब देखता है तो जिससे परेशानी होती है, जो परेशान एक आधे बार मैंने वार्ता की इतनी कर्मचारियों की दयनीय दशा की, परंतु इन अधिकारियों के कोई जो नहीं रहेंगे। अंततो गत्ता इस माँ सरस्वती के विशाल प्रांगण में 500 विश्वविद्यालय के कर्मचारी और महाविद्यालय के कर्मचारियों ने और उस समय के माननीय वाइस चांसलर अशोक कुमार जी जयपुर में विराजमान थे, आलीशान बंगले में। कानपुर के शहर के बड़े बड़े रईसों ने उनको ये सूचना दी।